सत्याकाल जी इंडिया न्यूज़ पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हां मनेंद्र कौर लेके हासरा बुलेटिन सो बुलेटिन दा आगाज करांगे। हर साल की तरह कैनरा बैंक ऑल इंडिया एसोसीएशन दे बुलारियां ने मोहाली दे एक सरकारी स्कूल दे विच सैकड़े बच्चों ते अध्यापकों दे नाल दिवाली का त्यौहार मनाया ते हर साल की तरह इस वार भी बच्चों नूं सर्दियों दे विच पहनन दे लई नवे स्वैटर वंडे गए ने ते इस तों इलावा विद्या विच अपने अते स्कूल का नाम रोशन करन वाले बच्चों नूं भी विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। इस मौके मुख मेहमान अते उगे समाज सेवी श्री अतुल कपूर दे नाल इंडिया न्यूज़ पंजाब दी टीम दे वल्लों खास गलबात की गई है ते खास गलबात करदिआं उन्हां कहा कि निरस्वार्थ समाज सेवा बारे विस्थारपूर्ण जिथे जानकारी दित्ती है तो उत्थे ही स्कूल दे प्रिंसीपल अते होर बच्चों दे नाल भी इंडिया न्यूज़ पंजाब दी टीम दे वल्लों खास गलबात की गई है। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों नूं अरुण वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज गल करांगे निष्काम सेवा की। निष्काम सेवा है की आ सिद्धू मूसेवाला जिहड़े मरहूम गायक हैगे ने उन्होंने अपने गीतां दे विच भी इस गल का जिक्र किया सीगा कि सेवादार दे बाणे दे विच बहुत सारे चोर हैगे ने पंजाब दे विच, परंतु अज एक ऐसी शख्सियत दे नाल तुहानूं रूबरू कराण जा रहे हैं जिन्हां ने हुण तक निष्काम सेवा की है। बेशक तुसीं उन्हां नूं कदे टैलीविजन की दुनिया दे विच देखिया नहीं होना। अतुल कपूर जी की मैं गल कर रहा, काफ़ी फेमस, काफ़ी इन्हों डिग्नेटरी भी असं कह सकते हैं निष्काम सेवा इस करके क्या हैगा। अज तक जिन्हें भी इन्हों वलों ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, जिन्हें भी होर मैडिकल कैंप लगाए जाते हैं, अज मटौर स्कूल दे विच इह पहुंचे ने। बच्चे पिछे देख सकते हो लड़के लड़कियां, ये बच्चे ने जिहड़े दिवाली जिहड़ी सैलीब्रेट कर रहे हैं। सो अतुल कपूर जी दे सहयोग सदका, इन्हां दे यतना सदका हरेक साल इन्हां बच्चियां दे नाल दिवाली मनाउंदे ने। इन्हां नूं क्योंकि सर्दियां दा मौसम आउण वाला है तां सर्दियां नूं मुख रखदे आ, इन्हां नूं स्वैटर भी दित्ते जांदे ने ते पढ़ाई दे विच जिहड़े बच्चियां ने अहम भूमिका अदा कीती है, स्थान हासिल किए ने, पोजिशनां हासिल कीतियां ने, मैरिट ते आए ने, उन्हां नूं शील्डां भी दे के जांदे ने। एक तरीके नाल असीं कह सकते हैं कि बच्चों संस्कार भी देके जाते हैं। काफ़ी अहम गल्लां इत्थे बुलारियां ने सांझियां कीतियां ने इन्हां बच्चों के नाल, टीचर्स के नाल भी बाद दे विच गलबात करांगे। अतुल कपूर जी दे नाल गलबात करदे हां। कपूर साहब की कहोगे अज मैं निष्काम सेवा की गल की है, तुसीं कदे लाइमलाइट दे विच नहीं आए परंतु पिछले कई दहाकियां तो असीं तुहानूं देखदे आ रहे हैं, तुसीं निष्काम सेवा कर रहे हो। ऐसा अरुण जी कि सानू जिहड़ी पुराना सनातन संस्कृति हिंदुस्तान दी, भारत देश दी, उन्हें शुरू तो यही सिखाया वृक्ष का बहु ना फल चखे नदी ना संचे नीर परमारत के कारण साधुन धरा शरीर, कि शरीर सानू परमात्मा ने सेवा करन वास्ते ही दिता है, दूसरे वास्ते किसे काम आना ही साडा मतलब जिंदगी दा जीवन दा मकसद होना चाहिए। ता ही असी फिर उन्हों जदों भी हौली हौली समझ आया तो असी जो अपने वालों जो मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है तो बच्चों वास्ते या समाज वास्ते जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी समझ के हिसाब नाल, अपनी सामर्थ्य के हिसाब नाल वो असी कोशिश करते हैं। कि हरेक साल इन्हां दे बच्चों के विच आने तुसी सैलीब्रेट करते हो त्यौहार, हुणे हुणे प्रिंसीपल साहब का मैं सुन रहा सीगा रवि जी का बड़ा अच्छा इन्होंने भाषण दिता है, हालांकि बच्चों नूं प्यास लगी सी धुप करके वो बेचारे बार बार उठन तरसे हुए सी, असी पानी पी लिए जाके, परंतु इन्हां दे जिहड़े जेकर चार बच्चों ने भी इन्हां दे विचार सुन ले तो उन्हां दी जिंदगी सफल हैगी। मानते हो तुसी ये गल? बिल्कुल सही गल है कि भाई जिंदगी दे विच अच्छी चीज़ सुनना और उसते ते अमल करना, यही जिंदगी दे विच टीचर की कोशिश होंदी है कि भाई वो सारी उम्र लगा देंदा है कि भाई सारी क्लास तो एको जी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो एक बच्चा भी कोई सीख गया तो जीवन टीचर का सफल हो जाता है। जी अच्छा, तुहाडा मोटिव यही हुंदा बच्चों के विच आके इस तरह की जिहड़ी तुसीं धारणा फैलाउने हैगे बच्चों नूं ज्ञान मिले तो वह इंप्लीमेंट करन तां लाइफ दे विच सक्सैसफुल होण, या फिर जिस सेवा भावना दे नाल तुसीं तुरे हो अपनी जिंदगी दे विच उसे तरह की सेवा भावना दे नाल ये भी इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ च? अरुण जी सेवा भावना तो संस्कार नाल आंदी है जी, तो सब तो पहले ज़्यादा जरूरी जो है ना संस्कार हैगा, तो सारे टीचर मिल के या साड़ी भी भावना यही है कि भी अच्छे बच्चों नूं अच्छे संस्कार मिलन, अच्छियां गल्लां उन्हां नूं सुनन नूं मिलन, उन्हां नूं सिखन नूं मिलन। इस करके असी कोशिश की कि भी इत्थे पिछले साल असी एक लाइब्रेरी दे विच कुछ अच्छियां
किताबां इकट्ठियां करके दित्तियां हैगियां ताकि वो बच्चे पढ़न, टीचर भी मतलब उन्होंने अगे समझान, उन्होंने अच्छी तो अच्छी गल्लां दसन। तो अगर वो बच्चों अगर वो अच्छियां गल्लां समझ आ जाएगियां, अगर वो सीधी राह चलते रहेंगे सीख जाएंगे तो समाज की जिहड़ी बाकी कुरीतियां हैगियां वो सारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल कपूर साहब, बाद दे विच आवांगे, तुसीं जिहड़े कैंप लगाने हैगे उहदा जिक्र बाद दे विच करांगे। प्रिंसीपल साहब रवि शर्मा जी, तुसीं थोड़ा जिहा संखेप दे विच दसो, अज जिहड़ी तुसीं स्पीच दित्ती है उहदा मूल आधार की सीगा? सर, साडा जिहड़ा एक अध्यापक का जीवन है वह बच्चों के प्रति ही समर्पित हुंदा है। जे असीं इस देश नूं दुबारा सोने की चिड़िए बनाना चाहिए चाहवांगे तो ये बच्चे बना सकते। साडा अज जिहड़ा भविख है वो साडे बच्चे हैं, असी इन्हां बच्चों के जरिए ही अपने देश के विच तब्दीली लिया सकते हैं। तो अज मेरी कोशिश यही सी कि अज मैं बिलगे तो आया, लेकिन सीगा कि बच्चों नाल खास तौर पर गौरमेंट स्कूल के बच्चों नाल गल करन दा मौका मिले। और मैं कपूर साहब का तो इन्हां दी पूरी पूरी टीम का तो इत्थे दे मैडम हेडमिस्टर मैम का तो बाकी सारे का बहुत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मैनू एक मौका दिता इन्हां बच्चों नाल गलबात करां। प्रिंसिपल साहब नाल भी गलबात कर लैंदे आ, उन्हां दा की कहना? मैम की नाम है तुहाडा? श्रीमती नरपिंदर कौर। अच्छा, जिहड़े अज इस एसोसीएशन वल्लों बच्चों नाल राबता कायम किया गया, टीचर्स दे नाल किया गया, इहदा की निचोड़ कढ़दे हो तुसीं? सर एक्चुअली हर साल ही इस कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसीएशन वालों साडे स्कूल दे विच इनाम वंड समारोह करवाया जाता है। तो बच्चों बहुत मोटिवेशन मिलती है, बच्चों की डिमांड के अनुसार जो उन्हां दी रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने, साडे स्कूल की रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने, उसनों ये एसोसीएशन हर साल कुछ ना कुछ दे के पूरा करन दी कोशिश करती है। और बच्चों एक अच्छी शिक्षा मिलती है क्योंकि जिवें एसोसीएशन के सारे मैंबरस अपने वालों कुछ कुछ इकट्ठा करके कुछ दान के रूप जो स्कूल नूं दिंदे ने, उहदे विच असीं बच्चों भी मोटीवेट करते हैं कि तुहाडे विच भी दान की भावना पैदा होवे ते तुसीं भी अपने वालों कुछ ना कुछ वड्डे होकर एक अच्छे नागरिक बनो, अच्छे सिटीजन बनो, वधिया विद्यार्थी बनो और अगे होकर तुसीं भी इसे तरह कुछ ना कुछ सोसायटी के लिए करना है जिवें साडे एसोसीएशन दे मैंबर। बिल्कुल, बड़े नेक विचार हैगे ने ते बच्चे जिहड़े देख सकदे हो तुसीं बच्चों दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। लड़कियां हैगियां ने उहनां दे नाल गलबात करदे हां। बेटा खड़े हो, की नाम है बेटा तुहाडा? सर मेरा नाम नेहा है, मैं 10वीं जमात ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। 10वीं ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਫਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ, ਸਵੈਟਰ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਣ ਦੀ? ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2001 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੱਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ,
ये बारे तुसी थोड़ा जिहा दसो क्योंकि वड्डा एक अहम मसला हैगा समाज सेवा के नाते ठगियां भी बहुत हो रही ने विदेशों के बैठे लोग कर रहे हैं। असी अज तक तो मतलब पैसे जिहड़े असी साडा ग्रुप है उस ग्रुप दे विच असी बड़ा लिमिटेड जे बंदे हैगे आ जे मिलके सारा अपने कोलों करदे सारा बिल्कुल अपने कोलों करदे किसे कोलों कोई पैसा नहीं लैंदे। गल मैं कहा ना तुसी कदे प्रचार भी नहीं कीता इस चीज़ दा ते मतलब हुण असी जियो और जीवन दो करके टीम बनाई हुई है ते उहदे विच 25 मैंबर हैगे और वो 25 बंदे मिलके जिहड़ा जिहड़ा कोई जरूरत जिथे जिथे जिस तरह लगती है वो असी रेगुलरली कोशिश करते हैं कि किसी और किसी बंदे को कोई पैसा लाजमी तौर पर लेंदे नहीं गे। चलो फिर भी तुसी सारी चीज़ों का जवाब देता मैं सवाल करना सी थोनू भी तुसी सारे बैंकों के मैनेजर हैगे हो इस तरह दियां वड्डियां पार्टियां भी आंदियां ने जिन्होंने वड्डे वड्डे लोन कराने होंदे ने कदे दिमाग च आई है गल यार चल बच्चों असी ये चीज़ कर दें किसी नूं कह दें। नहीं नहीं वो एक्चुअली की है कि सेवा की भावना जिहड़ी है ना निष्काम सेवा की तुसी गल कर रहे हो वो अपनी सामर्थ के हिसाब न सेवा करना ही प्रभु ने दसिया परमात्मा ने सानू ए नहीं दसिया कि भी कोई लुट्टी ठगी ठोरी मार के तुसी दूसरे की मदद करती वो नहीं सानू सिखाया। बिल्कुल साधारण तरीके दे नाल कपूर साहब ने कहा हैगा यही मतलब सीगा निष्काम सेवा दा जिहड़ी इह पिछले कई सालों तो 2001 तो करदे आ रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्मण सिंह दे नाल अरुण आहूजा इंडिया न्यूज़ मोहाली।